स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। मैं हूं सौरभ और आप लोग देख रहे हैं नोमैडिक गैंग्स। इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, मैं बताने वाला हूं कि अपना प्राइवेट रूम जो होता है कैसे ढूंढे, या किराए के लिए रूम जो कि हम लोग नौकरी करने के लिए आते थे वो कैसे ढूंढे। कहीं पर भी आपको रूम ढूंढना है पूरे भारत में, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, कहीं पर भी, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार केवल लास्ट तक आप इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा कैसे ढूंढना है, क्या करना है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद से दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सारे लोग ये कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई हमेशा एक ही ड्रेस पहने रहते हो, तो उन सभी को मैं बता दूँ कि ड्रेस तो बहुत सारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारा कपड़ा आप देख लीजिए, इसमें एक बैग में पूरा कपड़ा लगा हुआ है, इधर इतना कपड़ा रखा हुआ है, उधर कपड़ा, इधर का पूरा ये बिस्तर वगैरह फैला हुआ है, इधर नीचे भी कपड़ा है और इस झोला में भी कपड़ा है, तो बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। दरअसल असल बात यही रहता है कि अगर मैं इतना सारा ड्रेस खरीद लूँ तो ले कर फिर घर कौन जाएगा, और कोई भी कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हर एक चीज़ की इज्जत करता हूँ मैं, हर एक वस्तु की इज्जत करता हूँ। तो एक वीडियो जैसे कि छुट्टी भी होता है केवल मेरे को एक दिन या दो दिन सप्ताह में मिलता है, उसी में सारा वीडियो बनाना रहता है, 4-5 वीडियो बनाना है, तो हर बार कपड़ा कहाँ से चेंज करूँगा और हर बार क्या क्या करूँगा, तो इन्हीं सब के चलते मैं बार बार ड्रेस चेंज नहीं करता और एक ही ड्रेस में सारा बना लेता हूँ। और ये ड्रेस मेरे को अच्छा भी लगता है, इसमें गर्मी भी ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए ये मैं पहने रहता हूँ। और आइए नीचे दिखाता हूँ मैं आपको ले चल के अपना रूम। इधर आप जितना देखेंगे सारा का सारा किराया के लिए ही है, और इधर वो कंपनी देखिए दिखाई दे रहा है टावर के पीछे, ब्लैक वाली टंकी के पीछे, जितना देखेंगे सारे लड़के रहते हैं रूम ले करके, और मैं भी इधर ही रहता हूँ, और मैंने भी ऐसे ही रूम ढूँढा था। देखिए कभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको भगवान ने जन्म दिया है और आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उन सब में कुछ कारण होता है और भगवान सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। तो मैं भी आप ही लोगों की तरह रूम ढूंढने के लिए निकला था। ये देखिए मैं रूम ढूंढने के निकल रहा था तब, और पूरा मैं ऐसे भटक रहा था जब रूम ढूंढने के लिए, तब का ये वीडियो देखिए आप। तो आइए मैं रूम दिखाता हूँ, ले चलता हूँ नीचे। सीढ़ी जो है भाई साहब बहुत ख़तरनाक है, एक पैर स्लिप हुआ सीधे आप चले जाएंगे नीचे। देखिए कितना सावधानी से इसको पकड़ के चलना पड़ता है। तो चल रहा हूँ। ये रूम है, इसको बंद करके रखा हूँ, इसको ओपन कर दिया। अभी रूम गंदा ही होगा, झाड़ू को लगाया नहीं, और पंखा बंद करके बल्ब ऑन करता हूँ, और ये येलो बल्ब मैंने ऑन कर दिया। तो यही रूम है दोस्तों, जैसा कि आप सभी देखेंगे। तो बिस्तर वगैरह तो मैंने अभी सहारा नहीं था, और ये पानी है, ये सारा बर्तन है, तो यही सब लेकर के ट्रेवल करना बहुत दिक्कत का बात होता है, तो ज़्यादा कपड़ा मैं ख़रीदना नहीं चाहता हूँ। और ये रूम है सिंपल सा रूम है, पंखा वगैरह सारा दिया हुआ, तो ये रूम है और ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं है, जैसा भी है बढ़िया है, ठीक है। एक बार मैं पूरा घूम के दिखा देता हूँ, और ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ है लिस्ट का, और ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अभी एक दो दिनों बाद से कुछ वीडियो में इसको बता दूँगा कि ये क्या है, और आप भी पूरे अच्छे तरीके से जान जाएंगे। और ये पूरा बॉटल वगैरह आटा चावल ये सब रखा हुआ है, और ये सिलेंडर गैस वगैरह सारा आप लोग देख रहे होंगे। तो एक बार फिर मैं आपको घूम के दिखा देता हूँ, यही रूम है और ऐसा ही रूम आपको मिलता है। पहली बात करें कि आप कैसे रूम ढूंढेंगे और क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे, और कहीं पर भी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया एक रूम आप ले लीजिए, और रूम का किराया जैसे कि आप 2-3 लोग आइए हो सके तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप अकेले आते हैं तो ऐसे रूम जैसा कि रूम देख रहे हैं आप लोग, इसके लिए भी कम से कम आपको 2,000 रुपये महीने का देना पड़ेगा। तो अगर आप 2 से 3 लोग आएंगे तो आपका 5-6 सौ में हो जाएगा, और 5-6 सौ तो एक रात के होटल का लिए हो जाता है, आपको 5-6 सौ में एक महीने के लिए रूम मिल जाएगा, जिसमें कि आप पूरे अच्छे से अपना कोई भी जॉब ढूंढ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। और 5-6 सौ में एक महीने के लिए रूम रहेगा तो एक महीना बहुत टाइम होता है किसी काम के लिए, आप एक बढ़िया सा जॉब ढूंढ लेंगे। तो ये रूम का पूरा प्रोसेस था, और आप पूरे कहीं पर भी चले जाएंगे ऐसे ही होता है, ऐसे ही रूम मिलता है और ऐसे ही ढूंढना चाहता है, इससे बढ़िया भी रूम मिल जाता है और उसके लिए और अधिक पैसा देना पड़ता है। तो ये मैं जो रूम लिया था, मैं अकेले ही था, तो जितना मेरे से हुआ उतना मैंने रूम लिया अपना। तो यही रूम का वीडियो था दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका भी मैं बताऊंगा।
तो इसको अगर आपको जानना है कि क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।